जिस प्रकार संजीव भानावत जी का व्यक्तित्व अनपैरेलल है, उसी तरह आज का ये आयोजन और ये उनका योगदान, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रोफेसर संजीव भानावत और उनके टीम को और कम्युनिकेशन टुडे को मैं बहुत बहुत बधाई इस अवसर पर देना चाहता हूँ। आई एम सो डिलाइटेड दैट कम्युनिकेशन टुडे इज कम्प्लीटिंग इट्स 25th ईयर ऑफ इट्स पब्लिकेशन। किसी भी प्रकाशन के लिए 25 साल का सफर पूरा कर लेना निश्चित तौर पर गर्व और सम्मान का एक अनूठा पल है। इस गौरवशाली पल में अतीत के उतार चढ़ाव तो नजर आते ही हैं, साथ ही आने वाले कल के सुनहरी लम्हे भी झिलमिलाते दिखाई देते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से प्रकाशित होने वाले मीडिया जर्नल कम्युनिकेशन टुडे ने हाल ही में 25 साल का अपना गौरवशाली सफर पूरा किया है। ऐसे समय में जबकि हालात और वक्त की आंधी में बड़े बड़े मीडिया घराने ध्वस्त हो रहे हैं या अपने मूल्यों को तिलांजलि देकर बाजार के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, ऐसे में 25 वर्षों से जारी कम्युनिकेशन टुडे का सफर न सिर्फ उम्मीदें जगाता है बल्कि घनघोर तूफानों का सामना करने वाले दिए की कहानी भी याद दिलाता है। ढाई दशक की इस शानदार यात्रा के दौरान कम्युनिकेशन टुडे ने न सिर्फ मीडिया की दुनिया को गहराई से खंगालने की कोशिश की है बल्कि मीडिया शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में देश और दुनिया में जो नए प्रयोग किए गए हैं उन्हें भी लाखों पाठकों तक पहुंचाया है। कम्युनिकेशन टुडे के संपादक प्रोफेसर संजीव भानावत खुद भी लगभग 4 दशक तक मीडिया शिक्षा से जुड़े रहे हैं। ऐसे में ये स्वाभाविक ही है कि उन्होंने कम्युनिकेशन टुडे के विभिन्न अंकों में मीडिया से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर शोधपरक और अत्यंत उपयोगी सामग्री का संयोजन किया। मीडिया जगत में और शैक्षणिक संस्थानों में कम्युनिकेशन टुडे के अंकों को बहुत सराहा गया और यही कारण है कि पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2011 में इस पत्रिका को चंडीगढ़ में आयोजित अपनी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में एक्सटर्नल मैगजीन कैटेगरी में गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया। कम्युनिकेशन टुडे के अकादमिक योगदान पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा और लुधियाना के कृषि विश्वविद्यालय में शोध कार्य किया गया और आज स्थिति ये है कि देश के प्रसिद्ध पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और मीडिया शिक्षकों के बीच कम्युनिकेशन टुडे का नाम बड़े गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। कम्युनिकेशन टुडे ने अपने प्रकाशन के 25 वर्षों में कोविड-19 एवं मीडिया कर्मियों के लिए आचार संहिताओं का संकलन, इंटरप्ले बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, भारत में मीडिया का परिदृश्य, पत्रकारिता एवं जनसंचार साहित्य संदर्भिका, जर्नलिज्म एंड पीआर एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स एंड मीडिया आदि विषयों पर केंद्रित विभिन्न विशेषांकों का समय समय पर प्रकाशन किया। कम्युनिकेशन टुडे ने अपने रजत जयंती वर्ष के अवसर पर भारत में मीडिया शिक्षा की एक सदी की यात्रा पर 2 महत्वपूर्ण विशेषांकों का प्रकाशन भी किया। मीडिया जर्नल की ये यात्रा आज भी उसी रफ्तार और उसी उत्साह के साथ जारी है जैसा कि संपादक प्रोफेसर संजीव भानावत कहते हैं, 25 साल का ये सफर हमारी एक लंबी और महत्वपूर्ण यात्रा का सिर्फ एक पड़ाव है। प्रकाशन यात्रा के 25 वर्ष पूरे होने पर एक ऐसे रोमांच की अनुभूति मुझे हो रही है जिसकी कल्पना मात्र से मन गुदगुदाने लगता है। वर्ष 1997 का जनवरी महीना, जब कोलंबो में दक्षिण एशियाई मीडिया शिक्षकों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। एक तकनीकी सत्र में जब मैं अपनी बात रख रहा था तब वहां पर अधिकांश वक्ताओं ने एक चिंता प्रकट की कि मीडिया एजुकेशन के क्षेत्र में जर्नल्स का अभाव है, एकेडमिक जर्नल्स का अभाव है। न जान से कौन सी ऐसी शक्ति का मुझे एहसास हुआ और मैंने वहां कहा कि हिंदुस्तान में जाकर के मैं ये संकल्प करूंगा कि मीडिया में एक जर्नल का प्रकाशन करूं, और उसी संकल्प की परिणति थी कम्युनिकेशन टुडे के प्रकाशन की। हालांकि टाइटल मुझे अप्रूव हो गया था RNI से, लेकिन उसकी शुरुआत मैंने उसी के साथ की। शायद मेरे पिता डॉक्टर नरेंद्र भानावत, जो स्वयं राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, और मेरी माता डॉक्टर शांता भानावत, जो स्वयं प्रिंसिपल थी, दुर्भाग्य से
बहुत जल्दी उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन उन पुण्यात्माओं का मेरे प्रति आशीर्वाद रहा और मैंने ये अपनी यात्रा शुरू की। इस यात्रा में न जाने कितने लोगों का मुझे साथ मिला, संबल मिला, उन्होंने मेरे मनोबल को बढ़ाया। डॉक्टर मनोहर प्रभाकर, वे भी आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनका मार्गदर्शन और पग पग पर प्रेरणा मुझे मिलती रही। आर्थिक चुनौतियां, लेखकों का अभाव, लेकिन उसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी इस यात्रा को अनवरत जारी रखा। आज इन 25 वर्षों में स्थिति यह बनी कि देश का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां से मुझे लेखकीय सहयोग नहीं मिला, जहां मीडिया प्रकाशनों की इस भीड़ में बिना शुल्क लिए लेखों का प्रकाशन करना लगभग असंभव हो गया है। वहीं मैंने यह प्रयास किया कि मैं अपनी इस यात्रा को अनवरत जारी रखूंगा और कभी किसी से मैं आर्टिकल प्रकाशन के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं वसूलूंगा। एक दौर आया जब इसकी मैंने वेबसाइट भी बनाई और लगभग एक दशक के सारे इश्यूज उस वेबसाइट पर आज उपलब्ध हैं। कम्युनिकेशन टुडे के बहुत सारे विशेषांकों का प्रकाशन किया। आज इस जर्नल ने पूरे देश में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। कोरोना का वो दौर जब सब कुछ थम सा गया था, ऐसे दौर में हमने वेबिनारों की एक श्रृंखला शुरू करके मीडिया संबंधी विषयों पर शैक्षणिक विचार विमर्श की इस यात्रा को कम्युनिकेशन टुडे के मंच से जारी रखा, जो सारे हमारे परिसंवाद और चर्चाएं यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। कम्युनिकेशन टुडे की इस यात्रा में जिन लेखकों का, जिन मित्रों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा, आज इस 25वें वर्षों की ऐतिहासिक पलों में मैं उन सभी के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रकट करता हूं और जिन्होंने अपने वीडियो संदेशों के माध्यम से भी मेरे इस यात्रा के लिए निरंतर जारी रहने के लिए शुभकामनाएं प्रकट की हैं। और मैं पॉपुलर प्रिंटर्स के श्री निर्मल गोयल के सहयोग को कैसे भुला सकता हूं। इन 25 वर्षों में प्रिंटिंग की तकनीक जिस तरह से बदलती रही, तो उस आधुनिकतम तकनीक का सहारा लेते हुए जिस तरह से मुझे इन्होंने इस मुद्रण में, इसके नयनाभिराम और सुरुचिपूर्ण प्रकाशन में सहयोग दिया, वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सहयोग रहा, मेरा संबल रहा। कम्युनिकेशन टुडे की ये यात्रा, मैं तो कई बार ये महसूस करता हूं कि एक बच्चे की तरह से मैंने इसको पाला है। हर नए अंक का प्रकाशन, 25वें वर्षों में एक मीडिया शिक्षा पर विशेषांक, मीडिया एजुकेशन पर विशेषांक और दो इसके सामान्य विशेषांकों का प्रकाशन, ये देखिए 4 अंकों का प्रकाशन मेरी इस रोमांच को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। हर अंक के प्रकाशन के साथ मुझे एक नए सृजन की अनुभूति होती है। मित्रों, आप सभी का यह सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शायद मैं इसे कभी विस्मृत नहीं कर पाऊंगा। पूरा विश्वास है कि मीडिया शिक्षा, शोध, अनुसंधान के क्षेत्र में न सिर्फ देश भर में शोध कर रहे विद्यार्थियों, वरन प्राध्यापकों, शिक्षकों और मीडिया कर्मियों के भी विचारों को, उनके शोध निष्कर्षों को इस प्रकाशन के माध्यम से मैं यथासंभव अपनी शक्ति के अनुसार प्रयत्न करता रहूंगा, इस उम्मीद में कि मेरी यह यात्रा मेरे जीवन के अंतिम सांस तक जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के इस संबल के लिए। मीडिया के तेजी से बदलते परिदृश्य में सामने नजर आने वाली चुनौतियों को देखते हुए हमें अभी और आगे जाना है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि अपने गुजरे कल से प्रेरणा और सबक लेकर हम अपने आने वाले कल को और बेहतर बना सकें। मीडिया, सूचना और संचार संगठनों की दुनिया में कम्युनिकेशन टुडे के इस अप्रतिम योगदान को लेकर मीडिया कर्मी और मीडिया शिक्षकों का क्या नजरिया है, आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं। प्रोफेसर संजीव भानावत और जर्नल कम्युनिकेशन टुडे, दरअसल दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। 25 साल पहले इस जर्नल की शुरुआत और उसके हर एक वॉल्यूम की निरंतरता, हम समझ सकते हैं कि ये कंसिस्टेंसी तभी संभव है। और इस जर्नल ने जिस प्रकार मीडिया रिसर्च
एजुकेशन में जो योगदान दिया है, इसके जो रीडर्स हैं, मुझे खुद कई अवसरों पर मौका मिला और मैंने खुद भी उसको पढ़ा है। तो ये जो मीडिया एजुकेशन में जो न्यू पर्सपेक्टिव्स हैं उनको इसने प्रेजेंट किया है समय समय पर। संजीव भानावत जी के साथ मैंने बहुत दिन तक काम किया राजस्थान विश्वविद्यालय का, जब मैं कुलपति था, मुझे अवसर मिला और मैंने ये देखा कि भानावत जी जिस प्रकार कार्य को करते हैं, जिस तन्मयता से, जिस लगन से, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस एंथुजियाज्म के साथ, वो अपने आप में एक विशेष हो जाता है। और यही कारण है कि आज हम 25 साल कम्युनिकेशन टुडे के आज पूरे कर रहे हैं। भानावत जी निश्चित तौर पर बहुत सी संस्थाओं में जाते हैं, उनका अपना एक एक्सपोजर है, उनका अपना ज्ञान है, अनुभव है, और उस सब के चलते राजस्थान विश्वविद्यालय में और एज ए इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल अभी जिस तरह वो कार्य कर रहे हैं मीडिया एजुकेशन में, मीडिया रिसर्च के क्षेत्र में, यूजीसी, चूँकि मैं यूजीसी में 28 साल रहा, यूजीसी की कई कमेटीज़ में भानावत जी को का पार्टिसिपेशन रहा है और अभी भी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरह के जो शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो एक अपने आप में असेट हैं हमारे लिए। और ये जो निरंतरता है उनकी, उसका कोई भी जवाब नहीं, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। मैं आज के इस अवसर पर, इस जर्नल के 25 साल पूरे होने पर, उनको विशेष बधाई देता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी निरंतरता इसी तरह बनी रहे और अपने बेहतर स्वास्थ्य के साथ वो जिस प्रकार मीडिया एजुकेशन की सेवा कर रहे हैं उसको करते रहें। हम लोग अनेकों अवसरों पर मिलते हैं, लेकिन आज का ये अवसर निश्चित तौर पर बहुत विशेष है, क्योंकि आज मुझे एक ऐसे आयोजन का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है जो अपने आप में अनपैरेलल है। जिस प्रकार संजीव भानावत जी का व्यक्तित्व अनपैरेलल है, उसी तरह आज का ये आयोजन और ये उनका योगदान, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार, मैं प्रोफेसर के जी सुरेश, कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि वरिष्ठ मीडिया शिक्षक प्रोफेसर संजीव भानावत द्वारा संपादित कम्युनिकेशन टुडे अपना रजत जयंती मना रहा है। यह हम सबके लिए हर्ष का विषय है, सभी मीडिया शिक्षकों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए, कि ऐसा एक शोध पत्रिका नियमित रूप से पिछले 25 वर्ष से निकल रहा है, जो शायद कई बड़े बड़े संस्था सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। इसका पूरा श्रेय प्रोफेसर संजीव भानावत और उनके टीम को जाता है। इस पत्रिका ने अपनी एक जगह बनाई है मीडिया एकेडमिक्स में। मैं स्वयं एक दशक से ऊपर से इस पत्रिका से जुड़ा हुआ हूं और इस पत्रिका का जो योगदान है मीडिया एकेडमिक्स के क्षेत्र में, शोधार्थियों को समर्थन प्रदान करने के क्षेत्र में, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के क्षेत्र में, वो अनुकरणीय है, अनुपम है। मैं प्रोफेसर संजीव भानावत और उनके टीम को और कम्युनिकेशन टुडे को मैं बहुत बहुत बधाई इस अवसर पर देना चाहता हूं। आई एम सो डिलाइटेड दैट कम्युनिकेशन टुडे इज कंप्लीटिंग इट्स 25th ईयर ऑफ इट्स पब्लिकेशन। I remember in 1997 when Professor Bhanavat first came up with this idea, we were all excited. However, there was a bit of a hesitation, a bit of a concern whether we'll be able to sustain this journal for too long. That it has continued to bring out articles of great relevance, of scholarship for media educators and teachers and research scholars and the students, is a tribute to the passion and the determination and the commitment of Professor Bhanavat and the vigor with which he brings out this journal. I wish him all the success, and I do hope that in the next 25 years the journal will emerge even stronger, both in the depth of its articles and the variety of its articles that will benefit all of us. It's a wonderful journey for Communication Today, which completed a quarter of a century. And my association with Communication Today dates back to over a decade. It was in 2011 that I started writing for Communication Today.
I started writing a series on the newspapers of India. I'm thankful to Professor Vanavat, the man, brain and soul behind Communication Today, for giving me this opportunity to write on a particular subject for such a long time. Talking about Communication Today, this is a unique communication journal. It started at a time and provided platform to young researchers when there were hardly any such journals where they can publish themselves. And that too, besides English, in Hindi. I'm looking forward to a further more long association with Communication Today. I wish Communication Today a very bright and fruitful future. Hi, this is Professor Ujjwal Kumar Chaudhary, currently the Secretary of Global Media Education Council and also the advisor to the Daffodil International University based out of Dhaka. Since the last 20 years or a little more than that, I am knowing Communication Today, published, edited and presented to all of us by Dr. Sanjeev Bhanawat from Jaipur. Indeed, I must tell, though media education has not grown phenomenally in the country, it has spread, but there are lots of other opportunities to grow qualitatively. But this particular publication, this particular journal of media and communication, have chronicled the progress of media education through this quarter century in a fabulous manner and represented content with quality, with diversity, and in two languages, English and Hindi both, across these 25 years from a large number, more than 100 maybe writers, academicians and researchers, and has really presented us a slice of life, academic life, with respect to media to the people. I wish it a long, long life ahead, much stronger journey, bolder journey, and spreading its wings digitally as well and connecting more and more people. Recently, it has been doing a series of webinars which also contributed to media education in a remarkable manner. Something that has touched the lives of 100 people plus directly and a few thousand people of readers indirectly must continue. And salute to you, Dr. Sanjeev Bhanawat, for your consistency, quality and bilingual approach. Thank you. First of all, I would like to congratulate Professor Sanjeev Bhanawat and his journal Communication Today for completing successfully its journey of 25 years. Communication Today is the longest surviving bilingual journal in the Indian subcontinent, which does not get any regular financial support from any government, university or institution. The regular publication of Communication Today for the last 25 years speaks volumes about the management skill of Professor Sanjeev Bhanawat as well as his teamwork. Professor Sanjeev Bhanawat is the sole, I should say, the main person behind this journal and its success. I have been fortunate enough that I am associated with this journal as well as Professor Sanjeev Bhanawat for the last 15 years or so. The journal has been immensely helpful to the media educators across India. Thank you. Namaskar, I am Professor B. N. Neelima. I work in the Department of Communication and Journalism, Sri Padmavati Mahila University, Tirupati, Andhra Pradesh. Let me first of all congratulate Professor Sanjeev Bhanawat ji and his entire team that has been working so consistently and tirelessly in bringing out Communication Today for the past 25 years. When I think about Communication Today, I have to go back to the early days of my career, because I started publishing in this journal in 1999, and in those days there were very few journals in communication studies, especially from India,
And every career advancement scheme of mine, whether it is promotion to senior scale or associate professor or professor, is invariably linked to this journal. This is also true for many of my staff in the department. Is also true for several of my friends in other universities as well. Thank you, Communication Today, and thank you, Professor Sanjeev Bhanavatji, for playing such an important role in my career. I wish Communication Today all the very best, and I sincerely hope and wish that this journal continues to be published for several years to come. Many a times I would forget to pay subscription to this journal, but still this journal would land up in my office. And thank you, sir, for that kind consideration. Thank you also for your valuable suggestions in those early days in my career when you would review my papers and suggest certain changes to them. I have learned a lot from you over the past several years. I wish Communication Today and Professor Sanjeev Bhanavatji all the very best. And thank you, Communication Today, for being a lighthouse in my career as an academician. Thank you very much. Communication Today ke 25 वर्ष पूर्ण होने पर मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है. कम्युनिकेशन टुडे के पहले ही अंक से मैं इसका साक्षी रहा हूं और मैंने इसके सभी अंकों का अवलोकन किया है, अध्ययन किया है. मीडिया से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए और टीचर्स के लिए कम्युनिकेशन टुडे जर्नल ने बहुत सामग्री प्रदान की है. विशेष तौर पर मीडिया से जुड़े समकालीन विषयों पर बहुत ही उपयोगी लेखों का और शोध पत्रों का निरंतर रूप से प्रकाशन होता रहा है और निश्चित तौर पर शोधार्थियों को इससे बहुत अधिक लाभ पहुंचा है. 25 वर्ष का समय एक लंबा समय होता है और इस जर्नल के सूत्रधार प्रोफेसर संजीव भानावत साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने न केवल इस जर्नल को लगातार प्रकाशित किया है, संपादित किया है, लेकिन कम्युनिकेशन टुडे की हर दृष्टि से प्रगति भी हुई है, सर्कुलेशन के दृष्टिकोण से भी और गुणवत्ता के दृष्टिकोण से भी. कम्युनिकेशन टुडे की यात्रा अनवरत चलती रहे ताकि मीडिया जगत से जुड़े विशेषज्ञों को, शोधकर्ताओं को, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को इसका निरंतर लाभ मिलता रहे. इसी शुभकामना के साथ एक बार पुनः प्रोफेसर संजीव भानावत को हार्दिक बधाई. कम्युनिकेशन टुडे से मेरा जुड़ाव लगभग 10 वर्ष पहले हुआ, जब मैं अपने गुरु प्रोफेसर संजीव भानावत के संपर्क में पहली बार आया. राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने दाखिला लिया मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करने के लिए, और तभी से मैं लगातार देखता आ रहा हूँ कि कितनी ऊर्जा के साथ प्रोफेसर भानावत इस जर्नल को लगातार, निरंतर, बिना किसी आर्थिक सहायता के, स्वयं के संसाधनों से लगातार निकाल रहे हैं. और ये किसी भी प्रकाशन के लिए बहुत गौरव की बात है कि 25 वर्षों की लंबी यात्रा अनवरत चलती रहे. प्रोफेसर भानावत की ऊर्जा इतनी विशाल है कि हम सभी छात्र लगातार ये प्रयास करते हैं कि हम उनकी इस ऊर्जा को, उनकी इस लगन को अपने आप में आत्मसात कर सकें, और यदि उसका कुछ भी हिस्सा अपने अंदर हम ला सकें तो शायद हमारा उनका छात्र होने का जो कर्तव्य है वो पूरा हो सकेगा. मैं कम्युनिकेशन टुडे से जुड़े सभी लोगों को, विशेष तौर पर प्रोफेसर संजीव भानावत को, इस गौरवशाली पल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ये अपेक्षा करता हूँ कि ये सिलसिला, यह यात्रा लगातार इसी तरह अनवरत आगे भी जारी रहेगी. हम लोग जो मीडिया और कम्युनिकेशन अध्ययन के साथ जुड़े हैं, हमारे लिए बड़ा ही गर्व का अवसर है कि कम्युनिकेशन टुडे अपना रजत जयंती वर्ष पूरा कर रहा है. प्रोफेसर संजीव भानावत ने जिस तरीके से इस जर्नल को अकेले
25 वर्षों तक बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के जिस तरीके से चलाया है, और ना सिर्फ चलाया है बल्कि ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं कश्मीर से लेकर केरल तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गोवा तक, शायद ही कोई मीडिया एडुकेटर हो जिसका लेख कम्युनिकेशन टुडे में ना छपा हो। और क्वालिटी और जिसे हम कहते हैं कि एकेडमिक रिगर, जिस तरीके से इन्होंने इसे अपनाया है, ये तो एक हम सबके लिए ना ही सिर्फ उत्साह का एक कारण है बल्कि हमारे लिए बड़ा ही प्रेरणा का स्रोत है। हमारी शुभकामनाएं रहेंगी कि प्रोफेसर संजीव भनावत ऐसे ही इसे चलाते रहें और हम बहुत जल्द अगले 25 वर्षों तक इस जर्नल को देखते रहें और गोल्डन जुबली में भी ऐसा एक मैसेज मुझे देने का अवसर मिले, यही मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई एम डिलाइटेड टू नो दैट कम्युनिकेशन टुडे, विच इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जर्नल्स ऑफ Journalism and Mass Communication, has completed its 25 years and celebrating its Silver Jubilee celebration. On this historical event, I congratulate the editor, Professor Sanjeev Bhanawat, contributors and all his team for doing such nice work for the sake of academia. I wish a grand success of this journal and wish for the continuity of its publication. Once again, I extend my sincere thanks for Professor Sanjeev Bhanawat for his endeavor to bringing out such brilliant journal, which is only one journal in journalism and mass communication which fulfills periodicity and also demands of researcher and academicians. Thank you. Hello everyone. Communication Today, the name itself is justifying, as when it started, Professor Sanjeev Bhanawat has taken all the measures so that the media of that particular period can be expressed through this journal. Till date, he has been successfully doing this work, as all the latest issues and all the issues which have been published earlier also under the name of Communication Today, they all have been talking about the contemporary topics related to media. This journal has provided a strong platform to all the academicians, practitioners, research scholars and students as well, so that they can express their ideas, thoughts and intellectual analysis, so that their ideas can be spread and shared amongst each member, whosoever is this way or that way connected to the journal. Fortunately, I got associated with this journal as deputy editor, where I am finding myself blessed, and this is a golden opportunity where I could learn a lot under the supervision of Professor Sanjeev Bhanawat. Namaskar. Communication Today is indeed the lighthouse for media professionals and academicians across the country today. For many, many years, Communication Today has been the answer to the problem of scarcity of journals that have been published in Hindi language. And it has enlightened students, academicians from the field of journalism and mass communication since a very, very long time now.
I have got this privilege to be part of the editorial team of the journal, and I have seen the meticulous effort of Sir Professor Sanjeev Bhanavat sir and the entire team that goes behind, you know, making every publication a must read and amazing, you know, journal in the sector of mass communication. And the special issues of communication today that time and again it has been coming up with is indeed a must read for the students and the researchers of journalism and mass communication. So, thank you.